एंटी भूमाफिया की टीम की सख्त कार्यवाही। यूपी सरकार एंटी भूमाफिया टीम का गठन कर भूमाफियों पर सख्त कार्यवाही के लिए आगे आ रही है। सरकार के सख्त निर्देशन का असर बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ उप जिला अधिकारी और तहसीलदार को शायद याद नहीं रहा। भूमाफिया नवनिर्वाचित लोनी कटरा थाना इलाके के मारूफपुर गांव के प्रधान द्वारा अपने गुर्गों के द्वारा लगातार जेसीबी चलवाकर अवैध खनन कराने के साथ ही गांव के कई परिवारों को जान से मार देने की धमकियां भी उनके गुर्गे देते रहे हैं। अवैध खनन को लेकर लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार और एसडीएम के संदिग्ध भूमिका के चलते बड़ी घटना होने का भी अंदेशा है। जबकि यहाँ के एक परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजने के साथ जिले के डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह से न्याय किए जाने की गुहार लगाई। भूमाफियों के हौसले उप जिला अधिकारी हैदरगढ़ और तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की मिली भगत के चलते बुलंद हैं। नवनिर्वाचित प्रधान और भूमाफिया भट्टा मालिक से आहत होकर एक परिवार ने बाकायदा एफिडेविट भेजकर दोबारा से न्याय न मिलने पर परिवार सहित आत्महत्या किए जाने की बात लिखकर पत्र के माध्यम से शासन को भेजी है। नवभारत समाचार उत्तर प्रदेश लखनऊ से जितेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। यहाँ तहसील में आए थे मैं शिव शरण मिश्रा, ग्राम मारूफपुर निवासी, तहसील फरगना हैदरगढ़, जिला बाराबंकी, थाना लोनी कटरा के निवासी हूँ। मेरे चक मार्ग से मुझे जाने के लिए जो एक खुदवाई की गई भट्टा की राजेश वर्मा द्वारा, जबकि वो मूल प्रधान मौके के प्रधान भी हैं और वो चक मार्ग पूरा खुदवा दिए। वो केवल चक जो है 4 मीटर नक्शे पर है, मौके पर इस समय 2 मीटर, कहीं कहीं 3 मीटर, कहीं 1.5 मीटर रह गया। और उसमें जेसीबी चल रही, सर हम यहाँ अप्लीकेशन देने आए थे उप जिलाधिकारी महोदय, मैंने इससे पहले मुख्यमंत्री टोटल पे दिया था, उसके बाद डीएम साहब के यहाँ गए, वहाँ दिया था, वो अप्लीकेशन आई। इनको एक हफ्ता पहले हम आए थे, महोदय जी को दिया था, जब आज इनको देने पहुँचे तो हमें भगा दिया गया, अप्लीकेशन फेंक दी मेरी, इसलिए कि भूमाफियाओं का वर्चस्व है। हम अकेले गरीब किसान, हम जैसे बहुत किसान ऐसे हैं जो रो रहे रास्ते के लिए, हमारे मेल से खुदवा दिया पूरा। मेरे एक लड़की है, मैं 2 आदमी हूँ, मेरी 65 साल की उम्र, मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर न्याय नहीं मिला तो, क्योंकि भू माफियाओं द्वारा हमें कहीं नहीं मिल सकती। मेरे खेत तक जो चक्रोट गया हुआ है उसमें खुदाई आज भी चल रही है, आज इसी भी चल रही है, लेकिन मैं यहाँ आया तो हमारे उप जिलाधिकारी महोदय ने बाहर निकाल दिया और अप्लीकेशन फेंक दी। ये कौन से लोग जो है जो आपके जो यहाँ चलाते हैं ये जेसीबी वगैरह चला रहे हैं, वो राजेश माफिया को क्या नाम मालिक है? भी हैं और मौके के प्रधान भी हैं। उन्होंने गाली गलौज दी और गोली मार देने कहा, इसको भट्टे में झोंक दो, जल जाएगा। अच्छा, हम वहाँ से चले आए। तो आपने इसके मामले में आपने डीएम से बात की है? इसके बाद फिर हाँ डीएम साहब के पास गए, अप्लीकेशन दिया, तो वो अप्लीकेशन थाने आई, जिसमें थाने से भी कोई जांच करने के लिए आया या नहीं आया ये मुझको नहीं मालूम हुआ। मैंने जो यहाँ अप्लीकेशन फिर उसके बाद उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ को दी थी, उसके संबंध में हम आज जानकारी करने, उसी की फ़ोटो कापी है ये जो मैंने दिया था, इसलिए हम यहाँ आए उनके पास, तो ये भगा दिया गया, मुझको भगा दिया गया, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, भू माफिया है। हमको लगता है कि यहाँ हैदरगढ़ प्रशासन द्वारा उसको पूरा संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो मेरी सुनी नहीं जा रही है, जो मुझे मार देने की, भट्टे में झुकवा देने की बात कह रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो एक हफ्ते के अंदर मैं अपना परिवार सहित उसी खेत की मेड़ पर आत्मदाह कर दूँगा।